नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत यहां पर एक तरह से कुछ बड़े फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स किए हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे स्टॉक मार्केट पर असर कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ 10 से 12 ऐसे स्टॉक्स जो कि इस अनाउंसमेंट के बाद आपको स्पाइक या मोमेंट या शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि करीब 2,65,000 करोड़ रुपए का ओवरऑल स्टिमुलस अनाउंस हुआ है और यहाँ पे देखें तो 25,000 करोड़ रुपए एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग थ्रू नाबार्ड दिए गए हैं फार्मर्स के लिए। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो एक तरह से बूस्ट दिया जा रहा है करीब 2.5 करोड़ फार्मर्स को और किसान क्रेडिट कार्ड्स के जरिए यहाँ पे देखें तो 1,40,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्होंने। ठीक है, 7,227 करोड़ रुपए के आसपास स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs HFC के तहत यहाँ पर डिस्पर्स किए गए हैं। ठीक है, तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि जो NBFCs हैं जैसे कि आपके टॉप स्टॉक्स हो सकते हैं बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का स्टॉक बेहतरीन है, एडिलवेस का स्टॉक बेहतरीन है। यहाँ पर दोस्तों अगर बजाज फाइनेंस की टेक्निकल्स की बात करें तो हम एक दिन के चार्ट पे ये ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में आ चुका है, कभी भी इसमें गिरावट संभव है और टेक्निकल हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये जो न्यूज़ होती है दोस्तों, न्यूज़ बहुत ही भयानक चीज़ होती है क्योंकि न्यूज जो है हमें लगता है, न्यूज़ देखने से ये लगता है कि भाई स्टॉक में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी और हम स्टॉक को बाई करते हैं, लेकिन स्टॉक उल्टी दिशा की तरफ भागता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि टेक्निकल लेवल्स ज़रूर फॉलो किया करिए और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको क्लियरली पता होगा कि कौन से वो पैरामीटर्स होते हैं, कौन सी बातें होती हैं जो कि हम देखते हैं जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं किसी भी स्टॉक का। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो नाबार्ड के थ्रू करीब 25,000 करोड़ रुपए डिसबर्स किए गए हैं इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग फॉर फार्मर्स। ठीक है, तो फार्मर्स पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसा सेक्टर, ऐसे स्टॉक्स जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फार्मिंग में इन्वॉल्व होते हैं उन स्टॉक्स में आपको बाइंग करके रखनी चाहिए फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं चंबल फर्टिलाइजर्स, दीपक फर्टिलाइजर्स, GSFC का स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है, टाटा केमिकल्स भी यहाँ पे एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों इन स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक का अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं कोशिश करूँगा कि उस स्टॉक के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस आपको दे सकूँ ताकि आप क्लियरली डिसाइड कर सकें कि भाई स्टॉक्स में क्या करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों करीब 1,32,800 करोड़ रुपए के आसपास इनकम टैक्स पेयर्स जो हैं उनको ऑलरेडी रिफंड किया जा चुका है। करीब 40,00,000 टैक्स पेयर्स को ये अमाउंट यहाँ पर रिफंड किया जा चुका है। यहाँ पर कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं दिख रहा है फिलहाल दिमाग में कि भाई डायरेक्टली इस पर्टिकुलर डिसीजन से इम्पैक्टेड हो। अगर हम बात करें SBI उत्सव कार्ड की तो SBI उत्सव कार्ड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। ठीक है, करीब 3,621 करोड़ रुपए के आसपास जो है ओवरऑल इंटरेस्ट फ्री लोन टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि 3,621 करोड़ रुपए के आसपास का जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो यहाँ पर देखा जाए तो SBI कार्ड का जो स्टॉक है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हालांकि इस डिसीजन से डायरेक्टली ये इम्पैक्टेड नहीं होगा लेकिन इस स्टॉक पे भी हमारी नज़र बनी हुई है और SBI कार्ड का जो स्टॉक है वो एक बेहतरीन स्टॉक साबित हो रहा है, बेहतरीन उसने रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फार्मर्स को डायरेक्टली यहाँ पर एक तरह से बूस्ट किया जा रहा है और देखा जाए तो करीब 65,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने के लिए सैंक्शन किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो स्टॉक्स हमने यहाँ पर देखे, जो भी आप देख सकते हैं चंबल फर्टिलाइजर्स, दीपक फर्टिलाइजर्स, GSFC, ये सब स्टॉक्स डायरेक्टली आपको भागते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई कमिटमेंट मैं नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं बता रहा हूँ आपको कि स्टॉक भागेंगे भागेंगे, इसके लिए एनालिसिस जरूरी होती है। ठीक है,
एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर रियल स्टेट स्टॉक्स को लेकर, रियल स्टेट प्राइमरी रेजिडेंशियल रियल स्टेट सेल्स को बढ़ावा देने के लिए जो सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू का डिफरेंस जो पहले 10% हुआ करता था उसको अप टू 20% अप कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इन्वेंट्रीज हैं उनकी क्लियरेंस के लिए ये सब किया गया। हालांकि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इन पे जो रियल स्टेट के स्टॉक्स हैं उन पे, बट ये एक तरह से छोटा सा बूस्ट करने की कोशिश है रियल स्टेट सेक्टर को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोविड सुरक्षा मिशन के तहत करीब 900 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं और जो भी कंपनीज वर्क कर रही हैं कोविड वैक्सीन पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज के जरिए से उनके लिए यहाँ पे एक छोटा सा बूस्ट करने की कोशिश है। 900 करोड़ रुपए का यहाँ पे सैंक्शन हुआ है और देखा जाए तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जो हमारा स्टॉक है भारत बायोटेक और बायोकॉन आपको भागता हुआ दिखाई दे सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो स्टॉक्स के नाम ले रहा हूँ यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे कोई पर्टिकुलर स्टॉक तो जरूर उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो इस छोटी सी वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करिए। और दोस्तों यहाँ पे जाते जाते एक छोटा सा इनपुट कि भाई केवल 15% है नेशनल GDP का जो 265,000 करोड़ रुपये का ये स्टमुलस है, तो ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हम। एज अ रिटेल निवेशक हमें उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, और अगर हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने की तो हम इन स्टॉक्स में से अच्छा स्टॉक एक या दो सेलेक्ट करके उनमें प्रॉफिट कमा सकते हैं।